one because it's only the beginning. जो टेम्परेरी जो मकान है डैमेज हुए हैं, जो दो तीन हुए हैं, उसके जद में जो है 6-7 मकान उसके जद में है जो खतरे के पॉइंट पे हैं। तो लगभग 100 कनाल ज़मीन इसमें जो डैमेज हुई है, तो सीकिंग जोन में सीकिंग हुई सब उबल रही है ज़मीन। हमारे जो ये नायब साहब थे चंद्रकोट से, ये आए हैं, मेरे सरपंच साहब आए हैं, लोकल लोगों ने बड़ी हेल्प की है, जो उनको शिफ्ट करवा रहे हैं, जो PWD का क्वार्टर बने यहाँ पे, उनमें इनको एकोमोडेट कर रहे हैं हम। हाँ जी, मकानों में बैठे हुए थे, सुबह 7 बजे एक्सीडेंट का फ़ोन आया मुझे, कहते हैं कि ऐसी जगह बैठ गई, रास्ते ही चल रही थी थोड़ी, मारे इनको पता सुबह ही चला। शुक्रिया। सरपंच पंचायत डलवास, ये वार्ड नंबर 7 में ये लैंडस्लाइड हुई हमारे नाले की वजह से, 5 घर चले गए हैं और 10-20 घर इसकी जद में और भी हैं, उनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। और हमारे मौके में नायब तहसीलदार साहब आए, पंच साहब हमारे रवि सिंह जी, तो उन्होंने आगे अब शिफ्टिंग करवाई PWD के जो क्वार्टर हैं, क्वार्टर्स में रखा गया उनको। तो अभी ज़मीन वाह कितनी 100 कनाल के लगभग होगी ये सारी है, ये ऊपर तक 20-25 घर ये भी सारे जद में ही हैं। भैया कहना ये है हमारा कि हमारे यहाँ पे रात को स्लाइडिंग आई है, हमें कुछ पता नहीं चला है, रात को सारे सोए हुए थे और हमारे ये यहाँ पे 4-5 घर थे, यहाँ पे रात को स्लाइडिंग आई हुई है, हमारा सारा सामान बाहर निकाल दिया है, तो हमारा मकान भी मतलब डैमेज हो गया है। तहसीलदार आए हैं, नायब तहसीलदार और एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल NGO वगैरह, ये टीम जिन्होंने रेस्क्यू सर्विस यहाँ से की बाहर के लिए, सारा सामान निकाला। तो अभी तो कुछ फिलहाल बताया है नहीं कुछ किसने की क्या करना है क्या नहीं करना, सामान तो वैसे पड़ा हुआ है बाहर। 4-5 मकान हैं।